हेलो गाइस, जेनिथ क्लासेज के ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाई करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 में क्या है। तो वीडियो का पार्ट 5 है। अगर जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वीडियो का पार्ट 1 देखें, तब जाकर के ये प्रश्नावली यानी कि बनेगा। बहुत मज़ा आएगा ये प्रश्नावली में। बस एक ही फॉर्मूला लगेगा, 3-4 फॉर्मूला हम बताए हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर कौन फॉर्मूला, तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो भी कौन, तो an बराबर, यानी AP का nवां पद का फॉर्मूला, यानी an बराबर क्या होता है, a + n-1 × d, ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोग का लागू होगा ज़्यादातर, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले यानी कि वीडियो का पार्ट 1 देखें, और साथ ही साथ ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते चलें, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, यानी आते हैं हम लोग प्रश्नावली पर। एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वअंतर D और nवां पद an है। मतलब सारणी दिया गया, उस सारणी में यानी रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान दे दिया गया है, ठीक है। उस खाली स्थान का हम लोग मान भरेंगे। अब कैसे भरेंगे, तो उसने कुछ जानकारी दे रहा है, जिसमें जहां AP का प्रथम पद A, सार्वअंतर D और nवां पद an है, मतलब जानकारी दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहां पर, यानी कि पहला का पहला, ठीक है, क्या है, a = 7, d = 3, n = 8, an = ... दिया है। यानी कि इसका हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है, यानी कि इसका हमको मान निकालना है। तो देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मजा आएगा। ये प्रश्नावली ही जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। बस थोड़ा सा आप लोग को एक्टिव रहना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा। तो यही नहीं, हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें यानी चार गो a, d, n और an है, ध्यान से गौर करना। इस चारों में से कोई तीन गो देगा और उसमें से एक गो गायब कर देगा, अनोन हो जाएगा। तो अनोन यानी जो गायब रहेगा उसी का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, तो कोई एगो पूछे हम लोग से तो एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा, तो AP का nवां पद, यानी an = a + n-1 × d लिखते हैं। चूंकि क्या होता है, an = a + n-1 × d, यही फॉर्मूला, इस चार में से कोई एक किसी एक का वैल्यू पूछे तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बाबू, कुछ नहीं, अब हो गया, मान रखते हैं, आंसर पाते हैं। तो an का मान तो गायब है, यानी an के जगह an ही रहेगा। जिसका मान गायब रहता है यानी पूछे, उसके जगह पर वही रख देना है। जैसे an का मान हमसे पूछा है तो an के जगह an ही रख दिए। अब a का वैल्यू देखो दिया है कितना, 7 रख दिए, प्लस n का भी वैल्यू देखो दिया है बाबू 8, कोष्टक में डाल दिए, माइनस है -1 तो 1, और d का मान देखो बाबू क्या दिया है, 3, तो रख दिए। अब an बराबर क्या आ रहा है, 7 + 8 मिले एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। कोष्टक हटा देंगे तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, कोष्टक का मतलब, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। अब यानी कि an बराबर क्या आ गया, तो 7 प्लस, पहले गुणा बाबू करना चाहिए, पहले गुणा तब जोड़, तो 7 * 21 होता है, और ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 + 7 = 28, क्या हो गया हम लोग का आंसर। यानी कि जो कॉपी यानी बुक में रिक्त स्थान यहां पर दिया था, वो एक सारणी बना के दिया है, एक टेबल बना के दिया है, तो उस टेबल में हम लोग का क्या आ जाएगा, खैर उस टेबल में बुक में नहीं भरना है, आप लोग सीधा यहां पर आंसर देना, ठीक है। चलो बाबू, यानी कि अब इसमें का एक क्वेश्चन और हम बताएंगे, ठीक है, इसमें का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दूसरा ही इसका हम देखते हैं। दूसरा नंबर में देखो बाबू क्या दिया है और क्या गायब किया है, तो a का मान दिया है -18, d का मान नहीं दिया है यानी कि खाली स्थान है यानी व्हाट, और n का मान दिया है कितना, 10,
और an का मान क्या दिया है, जीरो। देखो बाबू, हम बोले ना कि इस चार वैल्यू में से तीन का वैल्यू देगा और किसी एक का वैल्यू गायब कर देगा, तो उसी जिसका गायब किया उसी का हमको वैल्यू निकालना होगा। तो देखो बहुत मजा आएगा, हम बोले ना कि एक ही सूत्र लगेगा, एक ही फॉर्मूला, कौन सा, तो an वाला। तो चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an का मान देखो दिया है अब की बार, तो an का मान रख देते हैं, यानी कि an का मान कितना, जीरो, तो जीरो बराबर है बराबर a का मान कितना, माइनस 18, चिन्ह के साथ बाबू माइनस 18, प्लस तो प्लस, n का मान दिया है क्या 10, माइनस वन इंटू डी का मान, तो देखो बाबू डी का मान नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, तो हम बोले ना कि जो नहीं दिया है उसका मान वही रख दो, यानी डी गायब किया तो डी ही रहने दो, यानी यहां पर क्या रह जाएगा, डी ही छोड़ देंगे। अब ये देखो जीरो बराबर ये माइनस 18 और प्लस, देखो 10 में ले एक घटेगा, पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 10 में ले एक घटेगा कितना हो जाएगा 9 इंटू डी हो जाएगा। अब ये माइनस में, तो इधर देखो ये बाउंड्री पार करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, इसको बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री पार करेगा तो हम बताएं ना कि माइनस क्या है, प्लस बन जाता है, और प्लस माइनस में जोड़ घटा में, यानी जोड़ घटा में और घटा जोड़ में, गुणा भाग में, भाग गुणा में, ऐसे होता है। तो ये घटा में, तो ये बाउंड्री पार करेगा प्लस में, देखो हम स्टेप करके दिखा दे रहे हैं, जीरो प्लस कितना हो जाएगा 18 बराबर ये 9 से डी में गुणा करेंगे, यानी 9 डी, ठीक है, यानी कि प्लस है इसके आगे, इस चिन्ह यहां पर लुप्त हो गया, ठीक है। अब 18 में जीरो जोड़ेंगे 18 ही रह जाएगा, बराबर कितना 9 डी, यानी कि अब हम डी इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्थान में अदला बदली कर लिए, ये बोला अच्छा नहीं लग रहा ऐसे, तो बोला भाई तू मेरे स्थान पर आ जाओ, मैं तुम्हारे स्थान पर, तो जब स्थान में अदला बदली होता है, यानी एक दूसरे का स्थान इंटरचेंज करे, तब चिन्ह में कोई बदला नहीं होगा, यानी जो जिसका चिन्ह वही रहेगा, तो ये भी प्लस में ये भी बराबर, यानी कि 18 है, ऐसे लिख दे, समझना समझने के लिए बाबू ऐसे लिख दे रहे, नहीं तो हम तो डायरेक्ट यहीं पर आंसर ला देते। अब ये देखो हमको डी का वैल्यू निकालना है, तो डी को क्या करना होगा, सिंगल यानी अकेला, तो अब देखो कैसे 9 को भगा दे, तो कुछ बच्चे का माइंड में आएगा कि सर इसको मिटा दीजिए ना इसे धीरे से, क्या ऐसा ही है, गलत, क्या करेंगे, मिटाना उचित नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसको भगाओ, रूल के तहत भगाओ, तो ये गुणा में, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा, तो उधर जाएगा भागा में, अभी बोले ना बाउंड्री पार करेगा तो भागा में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा में 9, ये कट जाएगा 9 दुना के 18, यानी डी का मान कितना आ गया 2, हो गया आंसर, यानी वहां पर क्या जाएगा, यानी रिक्त स्थान में क्या जाएगा 2। अरे रिक्त स्थान में भरना नहीं है, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें का नहीं बाबू, इसमें का आप लोग बनाओगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये होमवर्क के तौर पर इसमें दो क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कि दो नहीं तीन इसमें है, पहला का तीन क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, होमवर्क के तौर पर बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलत होगा तो उसे घबराने की बात नहीं है, उसको घर पे बैठ के बाबू आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा देखो क्या करा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, सही उत्तर चुनिए, यानी कि क्या ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या कुछ बच्चे लोग के माइंड में होता है कि ऑप्शन वाला तो हम याद कर देंगे, क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता है, मैथ याद नहीं किया जाता है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि इसको जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, यानी कि जैसे क्रिकेट है, जितना ही प्रैक्टिस करते हो उतना अनुभव बढ़ता है, ठीक उसी तरह से मैथ को बाबू प्रैक्टिस करोगे जितना प्रैक्टिस उतना फायदा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग दूसरा, ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, कहने का मतलब कि ऑप्शन हम लोग को नहीं देखना है, हम मान निकालेंगे, जो आंसर आएगा अब देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्या है दूसरा का पहला एपी दिया है, एपी यानी कि क्या दिया है 10 7 4 डॉट 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 का तीसवां पद है, यानी चार ऑप्शन दिया है, मतलब चार ऑप्शन दिया है, अब ऑप्शन अभी हम नहीं देखेंगे, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है 10 7 4 डॉट डॉट का तीसवां पद क्या है, मतलब वो ऑप्शन दिया इसलिए है लगा दिया है, मतलब उस चार में से एपी का तीसवां पद क्या है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तीसवां पद, तो हम बताए थे ना तीसवां पद पूछ रहा है, यानी कि देखो अब ये भी है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां, इस तरह से तीसवां पद का जो तीसवां नंबर पर पद आएगा वो क्या है, वो हमको निकालना है। अब कहोगे कैसे निकलेगा सर, तो बहुत मजा आएगा, बस थोड़ा सा तो कॉमन सेंस निकालना है, ध्यान में रखना है। देखो क्या है, देखो यानी कि ए का मान क्या, ए का मान, ए मीन्स
फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें क्या है 10 है, डी का मान क्या है, तो डी बराबर क्या बताए थे सर्वांतर बताए थे कॉमन डिफरेंस, तो ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू कुछ भी लगा सकते हैं, तो ए टू माइनस क्या है ए वन, ए टू का मान 7 माइनस ए वन का मान 10, ये घट के कितना आ गया माइनस 3। अब देखो बाबू ये तीसवा पद हम लोग को कौन सा पद निकलना है, तीसवा पद यानी कि लिखेंगे यहां पर एन बराबर 30, एन बराबर क्या है 30, ठीक है, यानी कि ये जो कौन सा पद पूछता है वो क्या होता है, तो एन का वैल्यू होता है। देखो 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 ध्यान दो, हम बोले थे ना इस चार में से तीन गो देगा, बस देखो अंदाज बोलने का अंदाज अलग हो गया, क्वेश्चन वही है ठीक है, यानी कि चार में से तीन देगा एगो गायब करेगा। हाँ अब यहां पर तीसवा पद ज्ञात करना है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए 30 बराबर व्हाट, ए एन मतलब कि एनवा पद, लेकिन यहां पर एनवा पद मतलब फिक्स नहीं किया, लेकिन यहां पर फिक्स कर दिया मतलब तीसवें पद, मतलब एन जब 30 है एन रहता है तो एनवा पद, 30 है तो तीसवा पद, 15 है तो 15वां पद, समझ में आ रहा है, हो तो गया। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो आ नहीं तो डायरेक्ट हम बताए हैं फॉर्मूला, यानी कि एपी का मानक रूप, यानी जिस कौन सा पद का पूछे उसमें एक कम का गुणा, जैसे तीसवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीसवा पद का फॉर्मूला यानी कि ए 30 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 29 डी, इसी फॉर्मूला का यूज करके ये वाला आता है, हम सिखा चुके हैं, खैर हम इसी फॉर्मूला का यूज करके ये आंसर लाएंगे। इस पे भी आप लोग बनाओगे ए का मान डी का मान रखोगे आंसर आ जाएगा, आप लोग करोगे, हम इस पे दिखाते हैं ठीक है। यानी कि देखो क्या है, चूंकि देखो हम बोले ना कि चार में से तीन देगा एक गायब, तो एगो हम क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो एक ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन के जगह पर बाबू 30 यानी कि तीसवा पद बराबर ए के जगह पर 10 प्लस एन के जगह पर 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना माइनस 3 है ठीक है। अब देखो बाबू ये क्या हो जाएगा 10 प्लस देखो 29 ये घट के आ गया ना 29 गुणे डी यहां लिखे थे ना यानी कि डी के मान माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस ये कितना 29 27 के साथ 3 × 6 = 8 यानी माइनस 87 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का गुणा होके माइनस 87 और ये 10 में ले 87 घटेगा तो 10 में ले तो घटेगा नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती घटाते हैं लेकिन माइनस लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 77 यानी कि एपी का तीसवा पद, यहां पर हम लिख सकते हैं एपी का शब्द में जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एपी का तीसवा पद बराबर कितना माइनस 77 क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट, मजा आएगा बाबू। तो इसमें का एक क्वेश्चन और है इसी पर, ऑप्शन हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हम बोले थे ऑप्शन नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है बाबू, आप लोग बनाओगे आंसर जो आएगा इसके बाद ऑप्शन नहीं देखो कि कौन सा मैच कर रहा है ठीक है। तो बाबू इसमें का एक क्वेश्चन और है जो कि आप लोग बनाओगे ठीक है, घबराने की बात नहीं है, वो बट्टा में दिया कोई दिक्कत नहीं, डी का मान आप लोग निकाल सकते हो ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें हाँ होमवर्क आप लोग बनाओगे ठीक है, नोट्स बनाते चलो ठीक है, जब क्लास खुलेगा तो हम चेक करेंगे ठीक है। तो बाबू घर पे रहकर जम के पढ़ाई करो तभी मजा आएगा ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करते चलो बाबू ठीक है, तभी हमको मजा आएगा ठीक है, धन्यवाद।